सेहत के लिए हानिकारक है। बहुत पावरफुल बाइक है भाई साहब, बहुत पावरफुल। ओ भाई साहब, ये अपना बिल बन के आया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ कि ये 4,000 है 1,000 है। क्या चीज? 210 आ रहा है ना? हाँ, ZX20 आ रहा है। Hey guys, welcome back to the channel guys. आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं और अभी हम है कहाँ, अभी हम होटल पे हैं और अभी ये भाई आपने लास्ट वीडियो में देखे होंगे और अभी आपको बाहर जाके लाइनअप चेक कराते हैं। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट दे रहा हूँ सुबह से और अपनी पैकिंग वगैरह हो चुकी है। और गाइस वो सामने अपनी बाइक्स खड़ी हुई हैं और ये देखो तो सारे भाई हो गए, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। ये अपने भाई खड़े हैं, ये अपने लाइनअप कुछ इस तरह का है बाइक का। बाकी मिलते हैं आपको GoPro पर। रोहित भी जा रहा है इस बाइक में। क्या होगी दिक्कत इसमें? कंटेंट मिल गया मुझे खाली कि बाइक खराब? खाली देख लो। क्या ब्रेक ऑयल लेके आना? चलो क्या ब्रेक ऑयल चाहिए? बजाज से मिल जाएगा, मार दी खत्म रास्ते में। बजाज से मिल जाएगा। हेलो। सो फाइनली गाइस ये अपना लाइनअप चेक करो, हम निकल रहे हैं। ये भाई बैग डांगेगा रोहित, रोहित के साथ बहुत दिनों बाद अपनी राइड होने वाली। निकले भाई, निकले, चलें, चलो चले भाई, करो स्टार्ट, करो बाइक स्टार्ट है ऑलरेडी। अरे वाह। सो गाइस अपना चलने का पूरा माहौल बन चुका है। ये अपनी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, अपनी डोमिनार भी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, टेनआर भी कोल्ड स्टार्ट हो गया है, BMW भी, R15 भी। और ये भाई का, चिराग भाई का होटल है, वो हम यहीं पे स्टे कर रहे थे सुबह से और अभी टाइम हो गया है 4, तो 4 बजे हम निकले हैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए। तो अभी देखते हैं आगे। अभी एक भाई को और को पिक करना है इंद्री से, फिर उसके बाद यमुनानगर से रोहित आ रहा है, रोहित के भाई के साथ एक दोस्त और आ रहा है। मतलब फुल माहौल बनने वाला, सेट होने वाला है माहौल और फुल इन्जॉय करेंगे। चिराग भाई चलें? ओके। सो गाइज अपना ट्रिप यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। जय जय महादेव, हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव की जय हो। यहाँ से हम इंद्री होके इंद्री से यमुनानगर जाएंगे, यमुनानगर से सहारनपुर वाला हाईवे पकड़ के सीधा हरिद्वार। और ये अपना नेशनल वे है, यहाँ से राइट चले जाएंगे तो दिल्ली पहुँच जाएंगे और यहाँ से राइट चले जाएंगे तो चंडीगढ़। इसी हाईवे से 10 किलोमीटर चलने के बाद अपने को राइट लेना है। तो फाइनली गाइज हमने अभी ये लाडवा यमुनानगर हाईवे पकड़ लिया है और सारे राइडर अपने पीछे आ रहे हैं और मैं ही लीड कर रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि उनको किसी को भी रास्ता नहीं पता है। तो यहाँ की नॉलेज हमें है और दिल्ली की नॉलेज आकाश भाई को है। तो आपसे मैंने मिलवा तो दिया ही है सबको कि अपने साथ कौन कौन जा रहा है, तो फुल तबाही वाला सीन होने वाला है इस वाली वीडियो पे भी। तो आपने कमेंट करके बताना है कि आप सबको वीडियो कैसी लग रही है और सुपर बाइक से कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं देखने को। तो कोशिश करूंगा मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। बाकी आज फुल मजा आने वाला है। और गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सुबह क्यों नहीं निकले। सुबह हम इसलिए नहीं निकले क्योंकि सुबह मेरा ऑफिस था और आकाश भाई और को मैंने सुबह ही बुला लिया था। ये लोग 9-10 बजे आ गए थे तो ये करनाल ही रुक गए थे, तो अभी हम सीधा होटल से निकले और बाइक का टैंक फुल मैंने सुबह ही करवा लिया था गाइज। ये अपना यमुनानगर के हाईवे पे खड़े हैं हम और ये अपना लाइनअप खड़ा है और रोहित भाई से मिली है। क्या हाल चाल है रोहित भाई की? बहुत बढ़िया। और वेट करवाया भाई इस बार? भाई यार सॉरी यार, आज पहली बार आपसे वेट करवाया। वैसे मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं किसी को वेट कराऊं, बट आज वेट करवाया। ये अपनी रामप्यारी खड़ी है और इन भाई से मिली हम पहली बार मिल रहे हैं। क्या हाल चाल है भाई आपके? बढ़िया। इनकी बाइक पे हमने आते ही अपना बैग बांध दिया। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? दोबारा वंस मोर। सो गाइज यहाँ पे स्प्लेंडर वाला भाई हमें ओवरटेक करके जा चुका है और हमें हाईवे मिल चुका है जो कि यमुनानगर टू
डायरेक्ट हरिद्वार जाता है और काफी मजा आ रहा है गाइस इस हाईवे पे चलाने में। यहाँ से हरिद्वार का डिस्टेंस है 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर अगर ना रुके तो आइडिया 2 या 1.5 या 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे गाइज। एंड गाइज आप लोग सोचते होंगे कि मुझे उत्तराखंड और हिमाचल में ट्रिप मारने में इतना मज़ा क्यों आता है, या मुझे उत्तराखंड और हिमाचल से नेक्स्ट लेवल का प्यार है। नेक्स्ट लेवल का मुझे जो प्यार पहाड़ों से है ना यार, वो कहीं नहीं है। पहाड़ों में राइड करने का एक अलग मज़ा है। और सनसेट हो रहा है पीछे, शीशे में देखो कितना ही प्यारा सनसेट हो रहा है भाई, बहुत प्यारा सनसेट है, बहुत प्यारा। सो गाइज यमुनानगर से निकलते ही हमारे को पुलिस वाले दिख चुके हैं। नाका लगा हुआ है यार यहाँ तो बड़ा तगड़ा भाई, अगर पुलिस वालों ने रोक लिया तो थंबनेल मिल जाएगा अपने को। लग रहा है मुझे ऐसे ही पुलिस वाले रोकेंगे, और पीछे अपनी सुपर बाइक्स आ रही हैं उनको ना रोक ले यार। नाका है बड़ा तगड़ा नाका है, आई थिंक ये वो नाका है जो हरियाणा टू यूपी वाला है, वो वाला नाका है जहाँ तक मुझे लग रहा है। फाइनली पुलिस वालों ने नहीं रोका और हमें थंबनेल भी नहीं मिला। एंड गाइज ये टोटली जमुना है और शायद पीछे सनसेट हो चुका है, और यहाँ पे फिर से नाका मिल गया भाई। अच्छा वो आई थिंक हरियाणा वाला नाका था और ये यूपी वाला नाका है, ऐसा हो सकता है क्योंकि जमुना पार करते ही यूपी आ जाता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई। ये 250 cc है और उनके पास 1000-1000 cc है, किसी के पास 400 cc, तो ये सबसे आगे है अभी भी, वो सबसे पीछे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों भाई, उनको तो आगे चलना चाहिए हमारे यहाँ। तो भाई अभी आपको आग लगा के दिखाएंगे, आग लगा के दिखाओ, आग लगा के। कम से कम चले को 4 घंटे हो गए या 5 घंटे, लेकिन अभी तक ऋषिकेश नहीं पहुंचे हैं। बस ये एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, बाकी राइडर्स अपना थोड़ा स्लो चल रहे हैं, कोई फास्ट चल रहा है, कोई स्लो चल रहा है, कोई फास्ट, बाकी मजा आ रहा है, एंजॉय करें। और यहाँ पे अपनी चाय भी आ चुकी है, चाय एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे राइडर्स। की बाइक ZX20R, क्या चीज, 210R है ना? हाँ ZX20R। प्रदीप भैया लगा ला भाई, रंग 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 थोड़ा कुछ तो कर भाई। तो भाई पूरा दिन आप। सो भाई यहाँ पे अपना चल रहा है खाना पीना सिस्टम, तो अभी चलेगा सड़क पर। अरे कर दिया भाई। बुलेट भी जा यार, फिर यार यार तुम नहीं यार तुम रुपी 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 बंद कर बंद कर बंद। सो भाई यहाँ पे कुछ इस तरह का लाइनअप है अपनी बाइकों का, और यहाँ पे हमने पराठे और चाय खाए हैं। आकाश भाई क्या एक्सपीरियंस आपका यहाँ तक चलाने का? मजा आया, मतलब इतने टाइम बाद 2019 में करी थी राइड, उसके बाद मैं अब कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। नहीं और करना आप हो तो आपकी वजह से मैं लॉन्ग राइड कर पा रहा हूँ, अन्यथा मैं 100 किलोमीटर से ऊपर ना चलाऊँ। करनाल आके दिल खुश हो गया, जैसा आपको प्रॉमिस करा था कि भाई करनाल आना करनाल आना, तो लो जी आ गए करनाल। अब बताओ भाई ने दिल जीत लिया यार ये बात कह के। ठीक है भाई अभी यहाँ से निकलेंगे हम, चाय वाय पी लेते हैं। चाय पी के निकल रहे हैं भाई, ऑलरेडी लेट है, लेट तो बहुत ज्यादा है। वैसे हमारा प्लान ये था कि गंगा जी में स्नान करेंगे और आरती भी लेंगे, लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं। नेक्स्ट टाइम करेंगे कोशिश, पक्का पक्का पक्का। ये अपना बिल बन के आया, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ कि ये 4000 है या 1000 है भाई, 1000 है या 4000 है, 1000 है, समझ नहीं आ रहा। बाकी हमें पैसे की क्या दिक्कत है यार भाई, अपनी राइड स्पॉन्सर कर रहे हैं और सारी राइड स्पॉन्सर भाई, ये ब्रांड वैल्यू चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे कोई है ना, हम नहीं गलत बात नहीं, यहाँ हम कहाँ कावासाकी, कोई बजाज, कोई कुछ चला रहा है, कोई होंडा चला रहा है,
भाई वो BMW वाले अमीर आदमी है, वो देंगे। रिशु भाई, भाई ये उम्र से पहले इतना पेट क्यों निकल रहा है बताओ, क्या राजा इसके पीछे का? इसका राजा गुप्पी। भाई यार ये गद्दी बात है दी। गुप्पी तो मान गया, नहीं मतलब ये जो सुपर कार्स वाले डीलर होते हैं, ये पैसे वाली पार्टियां होती है, इनके पेट ऐसे ही निकले होते हैं क्या? भाई सारे डीलरों के पेट ऐसी बात नहीं, मैंने दिल्ली में देखे हैं जो सुपर कार्स बेचते हैं उनके पेट ऐसे ही निकले हैं, तो वो कलर करवाते हैं बालों का या कुछ ना कुछ करते हैं। भाई ने पहले भाई को दिखा रहा है लकड़ते बाले वर्गा तेरा शरीर अकड़ देख के नीचे की फिरता है लकड़ते बाले ते करा दिया छता टिकिया हुंदिया बन्ना मर नहीं शरीर नहीं जिगर चाहिए टेनर चाहिए। यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, यहां से आकाश भाई टेनर नहीं चला रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम वृंदावन गए थे तो वो इतने लॉन्ग राइड नहीं करते हैं, तो लास्ट टाइम भी उनको फिजियोथेरेपी करवानी थी, इंजरी हो गई थी उनकी बैक में, तो अभी वो कह रहे हैं कि बहुत हो गया बस, सुबह भी टैनार चला के आए हूँ, दोपहर से यहाँ तक भी अब टैनार चला रहा हूँ, तो आप चलाओ ऋषिकेश तक, ऋषिकेश अभी यहाँ से 70-80 किलोमीटर है, तो अब मैं ही राइड करूँगा टैनार, क्यों रिस्क नहीं लेना चाहिए यार शरीर के साथ, शरीर पहले है बाकी सब कुछ बाद। हर हर महादेव, करते हैं भाई बाइक को स्टार्ट और निकल रहे हैं यहाँ से। अभी मेरे को कैमरे का एंगल भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि यार ये सुपर बाइक है और अपने को आदत है टूरिंग बाइक की। हर हर महादेव। लो जी कैसी लगी आवाज बताना, रेस दूं? और भाई सिटिंग पोस्चर है ना टैनर का बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव, कैमरे का भी मुझे हिसाब नहीं, एंगल का जैसा भी होगा मैनेज कर देना यार, बहुत पावरफुल बाइक है भाई साहब, बहुत पावरफुल बाइक है, बहुत पावरफुल, और लाउड की तो बस पूछो ही ना, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आ भी रही है या नहीं आ रही है, लाउड का तो पूछो ही मत कितनी लाउड है, लेकिन पावरफुल बहुत ज़्यादा है भाई। भाई हॉर्न बजाने की तो जरूरत ही नहीं है इस बाइक में, हॉर्न बजाएंगे तो आवाज़ तो आनी नहीं है हॉर्न में बिल्कुल भी, इसमें तो सीधा हल्की सी वेव करो सारी गाड़ियाँ पीछे हट जाती हैं भाई, सब गाड़ियाँ। ओ भाई साहब फायर फ्लेम आ रही है भाई, सो गाइस अब चल रहा है अपना लाइनअप एक नंबर है, मतलब फुल राइडर्स वाली फॉर्म में चल रहे हैं अभी, अब मज़ा भी आ रहा है चलने में ना क्योंकि अब ये सब चार्ज हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनमें सुस्ती छाई हुई थी पहले, अब चाय पराठा खा लिया अब ये चार्ज हो चुके हैं, वैसे भी राइडर्स चाय पराठा खा के चार्ज हो जाते हैं। भाई बंदा कैसे मुड़ रहा है, हल्का सा रेव किया भाई, ये तो 2000-3000 RPM पे भी ऐसे आवाज़ करती है जैसे पता नहीं क्या ही आ रहा है भाई, 1000 CC ये खुद बोलती है, मैं 1000 CC हूँ, मैंने दूसरे वाली टैनर भी चलाई है बट ये उससे बिल्कुल अलग है भाई, बिल्कुल अलग है, ये मेड इन जापान है आई थिंक। कैसी है आया मज़ा? ओके भाई रिएक्शन, भाई साहब रिएक्शन देख लो तुम टैनर के, पावर देखो भाई तुम, पावर चेक करो, ये देख लो भाई रॉन्ग साइड आ रहा है वो भी रात को, भाई ये तो बाइक आग छोड़ रही है भाई, अभी अपने वाली का तो पता नहीं, और गाइस ये अपनी राइड का शायद दूसरा तीसरा शायद आई थिंक तीसरा टोल आ चुका है भाई, टोल ही टोल आए जा रहे हैं बट हरिद्वार क्यों नहीं आ रहा भाई, समझ नहीं आ रहा। भाई साहब रोहित है ना डोमिनोर, बहुत तेज चला रहा है और बहुत तेज, और अंशुल बैठा हुआ है पीछे, अब इसको बोलता हूँ आजा। हो गया था पीछे ड्रैग रेस, हो गई थी अभी ड्रैग रेस बट लास्ट में मैंने ब्रेक लगा ली क्योंकि भाई मैं इस बाइक के साथ यूज टू नहीं हूँ। भाई 130-140-150 तो भाई कुछ समझती ही नहीं है, अभी रोहित ये देखो ये निकला फिर पीछे करेंगे, बम्स है ना बम्स, ये है ट्रैक बाइक। ओए आग भाई आग छोड़ रही है, दिक्कत क्या है ना इस सड़क पे बम्स है बहुत सारे, हम हैं दो, मेरे पीछे आकाश भाई बैठे हैं,
अब उनकी बाइक है ऊंची, हमारी बाइक है नीचे। यार BMW प्रदीप भाई क्या कर रहे हो, अगर ये व्लॉग देख रहे हो तो समझ जाओ आप सबसे स्लो चलते हो प्रदीप भाई। अब हम तो चल भी नहीं रहे, 100 110 100 110 चल रहे हैं, अगर भाई 100 110 भी नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा। और गाइज ये हरिद्वार वाला हाईवे पकड़ लिया हमने, कहाँ से, वैसे तो हरिद्वार वाले हाईवे पे ही थे बट अब सड़क और भी ज़्यादा अच्छी आ गई है अपने पास। सो भाई पैना के क्रेजी रिएक्शन देख रहे हो, भाई साहब सब्सक्राइब टू माई चैनल देख रहे हो भाई। ओ भाई साहब, ओए भाई मुझे हल्का सा भी महसूस नहीं हो रहा था कि बाइक आएगी, एकदम आई है भाई। गाइस साइड में अपने गंगा जी चल रहे हैं और कितनी शांत है गंगा जी। वैसे अपना प्लान था गंगा जी में स्नान करने का बट जो जिस सिचुएशन पे हम पहुंचे हैं, 10:12 हो रहे हैं, बच्चे बाय कर रहे हैं गाइस, गाड़ी में से रिएक्शंस आ रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं, टाइम पता नहीं क्या बज रहा है यार, मैंने फ़ोन चार्जिंग लगाया हुआ था और यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। रात हम पहुँचे थे 11 बजे हम पहुँच गए थे, हम आए बिल्कुल आराम आराम से क्योंकि यार एक तो ऑफ रोड वाला रास्ता है, हम अभी जहाँ स्टे कर रहे हैं वो नीलकंठ वाले रास्ते पे है ना भाजी। हाँ। नीलकंठ वाले रास्ते पे है ना ये, नीलकंठ यहाँ से 12-13 किलोमीटर है। लोकेशन जो है वो एक नंबर है, मतलब क्या जितनी तारीफ करूँ उतनी थोड़ी है लोकेशन। लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि लोकेशन जो है ना उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग ओपन करना ही पड़ेगा अगर आपने लोकेशन देखनी है तो। कि रात हम आए थे और खाना वाना खाया था, बाहर स्विमिंग पूल भी है भाई, रात को ही डुबकी लगाई, रात वीडियो नहीं बनाई यार, ऑलरेडी रात बहुत थक चुके थे और बहुत थक चुके थे, फोन को हाथ लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो ठीक है यार मिले, क्या कह रहे हैं, अबे तुम बोलते होंगे अपने व्लॉग में झूठ, मैं नहीं बोलता भाई, ये अंशु से पूछ लो, अंशु सच नहीं बोल रहा हूँ, बस छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते। ठीक है यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपने बाहर का व्यू इंजॉय करना हो या हम कहाँ पे रुके हैं वो देखना है तो प्लीज़ यार अगला व्लॉग देख ले भाई यार मेरी तरफ, बाकी लास्ट में हल्का सा शॉर्ट दिखा दूंगा। तो ठीक है यार, अगर ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पर, नहीं क्या कह रहा हूँ मैं, तो ठीक है यार अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।